मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज पीपी 170 वैलेंशिया टाउन में जलसे से खिताब कर रही हैं। जनाब राना मुबशर साहब, मलिक सैफ खोखर साहब, ऑन चौधरी साहब, मियां इमरान जावेद साहब, इमरान गुराया साहब, बीबी वडेरी साहिबा, नसीर भुट्टा साहब और शेर के उम्मीदवार नवाज शरीफ के उम्मीदवार चौधरी अमीन साहब और पीपी 170 के मेरे शेरों, मेरी शेरनियों, आप सबको लंदन से मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम, आपको शहबाज शरीफ का भी सलाम और आपको आपकी बेटी आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। जिस मोहब्बत से आप सब ने मेरा इस्तकबाल किया है, जो मोहब्बतें और शफकतें आपने मुझ पर निछावर की हैं, मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल पूछना चाहती हूं और मैं देखना चाहती हूं कि वैलेंसिया टाउन के जो लोग हैं उनको कितना पता है। मुझे बताएं कि जो आज शहबाज शरीफ को दिल पर पत्थर रखकर जो कीमतें बढ़ानी पड़ी पेट्रोल की डीजल की, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहती हूं शायद ही इतना मुश्किल फैसला हमने अपने कभी भी तारीख में किया और जितना ये तेल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला था। लेकिन मैं आप सब से पूछना चाहती हूँ, आप लोग जानते हो कि जिस आईएमएफ के मुआहदे के तहत हमें वो तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, वो मुआहदा किसने किया था? मैं जवाब सुनना चाहती हूँ, किसने किया था? जिस आईएमएफ के मुआहदे के तहत आज हमें ये मुश्किल फैसला करना पड़ा, अपने अवाम पर ये मुश्किल फैसला करना पड़ा, ये कीमतें किसके आईएमएफ के मुआहदे पर बढ़ानी पड़ी, मैं सुनना चाहती हूँ। देखो आप लोग सब जानते हो, शाबाश। मैं एक और बात पर भी आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और वो ये है कि भले हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी वरना मुल्क दिवालिया हो जाता, मुस्लिम लीग नून को जितना पाकिस्तान का ख्याल है शायद किसी और का नहीं है। लेकिन लेकिन देखो आपका ख्याल है, इसीलिए मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा ये इलेक्शन कैंपेन है, कीमतें भी बढ़ानी पड़ी, लेकिन लोगों में जाओ आवाम में जाओ और उनको बताओ कि नवाज शरीफ और उसकी जमात, और आज हमजा शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया है कि जो भी पंजाब के खानदान 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये मुस्लिम लीग नून ने ऐसे वक्त में किया जबकि खजाने में पैसे नहीं है, खजाना सारा मनी गाला वाले खा गए, लूट गए, लेकिन
पिछला 4 साल का दौर याद है ना, जब सिर्फ अमीरों को नवाजा जाता था और वही अमीर जो फितना खान के दोस्त थे उनको नवाजा जाता था। आज जब मुस्लिम लीग नून की अवामी हुकूमत आई है तो आगाज सबसे गरीब से किया है कि गरीब के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। देखो कभी 75 साल में ऐसा हुआ कि आप घर में बिजली इस्तेमाल करो और महीने के बाद आपको बिल ना आए, कभी ऐसा हुआ? तो ये कोई एहसान नहीं है। मेरा बस चले तो सारा कुछ लाकर आपके कदमों में डाल दूं। बस देखो खजाना खाली है, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता तेल, सस्ती दालें जो हैं वो मुहैया कर रखी हैं, उस पर सब्सिडी दी है ताकि गरीब के घर का चूल्हा ना बुझने पाए। अभी तो हमें आए हुए 2.5 महीने हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि गरीब का चूल्हा जलता रहे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने इसी तरह साथ दिया तो वो वक्त दूर नहीं जब एक गरीब भी इंशाअल्लाह ताला, उसके बच्चे भी, उसका पूरा खानदान भी 3 वक्त की रोटी पेट भर कर खाएगा इंशाअल्लाह। पीपी 170 वालों, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत का पाला एक ऐसे शख्स से पड़ गया है जो तारीख का सबसे बड़ा फितना है, तारीख का सबसे बड़ा इंतशार है, और मुझे कहने की इजाजत दो कि वो उस तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, एक हदीस का मफहूम है, मैंने जब वो हदीस पढ़ी तो मेरा दिल खौफ से दहल गया। वो हदीस ये है, उस हदीस का मफहूम ये है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स पे बोहतान लगाता है, किसी ऐसी चीज का इल्जाम लगाता है जो दूसरे में नहीं होती, तो जब तक वो बुराई जिसका उसने किसी पर बोहतान लगाया था वो उसके अपने अंदर नहीं आ जाती, वो मरेगा नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूं, लोगों को कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं, हमें कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं, लोगों को तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा, साजिश और खत के पीछे लगा दिया। और 4 साल तक जब इसकी हुकूमत थी तो कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी, पाकिस्तान आजाद था, और जब इसकी कुर्सी गई तो अचानक पाकिस्तान गुलाम हो गया। इतना बड़ा ड्रामा कभी देखा है? और वो एक अमरीकी ओहदेदार है डोनाल्ड लू, दिन रात उसको जलसों में नाम ले लेकर बदनाम करता रहा, उसको बुरा भला कहता रहा और कहा कि डोनाल्ड लू ने मुझे धमकी दी है। और यकीन जानो कि अभी 2 दिन पहले अपना एक ओहदेदार अमेरिका में डोनाल्ड लू के पास भेजा और उसको कहा हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। बताओ ऐसा संगीन मजाक कोई अकल और शऊर रखने वाला बंदा कर सकता है? तो पीपी 170 वालों, ये मजाक उसने अवाम के साथ नहीं किया, हमारे साथ नहीं किया, ये मजाक उसने पाकिस्तान, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के साथ किया है। लोगों को गद्दार कहता रहा, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, नवाज शरीफ को गद्दार कहता रहा, दूसरे जमातों के सरबराहों को गद्दार कहता रहा,
मुझे कहता रहा कि इसने सोशल मीडिया और मीडिया सेल के जरिए इसने कैंपेन्स चलाई। अल्लाह ताला का फजलो करम है, आज भी मेरे पर एक चीज साबित नहीं कर सका। और अपनी बीवी पीरनी की ऑडियो सामने आ गई जो कह रही है कि कोई भी इल्जाम लगाए सबको कहना कि गद्दारी हो गई, गद्दारी हो गई। कहती है कि अगर मुझ पर कोई इल्जाम लगाए, फरा गोगी पर कोई इल्जाम लगाए, तो सबका जवाब गद्दारी से देना, कहना गद्दारी हो गई। शुक्र है ये नहीं कह दिया पिंकी पीरनी ने कि मुझे ख्वाब में बशारत हुई है कि गद्दारी पे ट्रेन चलाना है। और फिर मजहब का इस्तेमाल करता रहा। मजहब जो है ना, आपकी इबादत आपके और अल्लाह ताला के दरमियान का मामला है। आप कितनी नमाजें पढ़ते हो, कितनी तस्बीहां पढ़ते हो,